दोस्तों आज का ये वीडियो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में Q&A वीडियो है, जिसके अंदर आप ही के द्वारा पूछे गए कुछ एक सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ या फिर आपके समस्या का समाधान करने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों आपके द्वारा कुछ एक जो सवाल किए गए हैं, पहले उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि पहला सवाल ये है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल से जब आप ओटीपी भेज के ईकेवाईसी करते हैं तो ओटीपी इनवैलिड बताता है या फिर ओटीपी आपको मिलता ही नहीं। इसके अलावा अगर आप ओटीपी को छोड़ के अगर आप फिंगरप्रिंट के माध्यम से ईकेवाईसी करने की कोशिश कर रहे हैं सीएससी के माध्यम से, तो भी आपको यहाँ पे जो बायोमेट्रिक कैप्चर के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो वहां पे बायोमेट्रिक कैप्चर नहीं हो रही है। एक तो ये समस्या है। एक समस्या ये है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 10वीं किस्त जारी हुई है वो आपको कब तक मिलेगी, या फिर दोस्तों इसको 10वीं किस्त को लेने के लिए ईकेवाईसी करने की तो जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार के सवाल आपके द्वारा लगातार मुझे पूछे जा रहे थे। इसके अलावा दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो ईकेवाईसी की जानी है तो ईकेवाईसी करने की अंतिम दिनांक कौन सी, यानी कि कौन सी दिनांक तक आप ईकेवाईसी कर सकते हैं, तो इन चारों सवाल के जवाब आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप सवाल कर रहे हैं तो आपको उनके जवाब मिल जाए। तो ये दोस्तों सबसे पहला सवाल हम लेते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जो ओटीपी प्रॉब्लम है या फिर जो फिंगरप्रिंट माध्यम, दोनों ही समस्या का समाधान एक ही बार में मैं आपको बता देता हूँ। इसका दोस्तों आने का बेसिक कारण यह है कि जो ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ईकेवाईसी ऑप्शन आया है ये अभी भी काम सही तरीके से नहीं कर रहा है, यानी कि अभी भी इसके ऊपर काम किया जा रहा है, अभी भी ये टेस्टिंग मोड में पूर्ण रूप से अभी तक सही नहीं हुआ है। जब तक सही नहीं होता तब तक आपको इंतजार करना होगा। इस महीने ये सही होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। आपको लगता है कि ईकेवाईसी हो रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ईकेवाईसी नहीं हो रही है। कभी कभार कोई ईकेवाईसी हो जाती है तो आपको लगता है कि यहाँ पे हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक आज कभी हो जाएगी, लेकिन ईकेवाईसी बिल्कुल यहाँ पे नहीं हो रही है। तो दोस्तों आपको इंतजार करना होगा जब तक ये पोर्टल सही नहीं हो जाता। जैसे ही सही होगा तो मैं वीडियो बना के आपको जानकारी दे दूंगा कि अब पोर्टल सही तरीके से काम कर रहा है और आप ईकेवाईसी या फिर बायोमेट्रिक के माध्यम से भी आप ईकेवाईसी कर सकते हैं। अब दोस्तों जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त जारी हुई है उसके लिए ईकेवाईसी जरूरी है या फिर नहीं, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि 10वीं किस्त जारी हो गई है तो इसका मतलब ईकेवाईसी जरूरी नहीं है और आपको 10वीं किस्त आपके बैंक खाते में बिना ईकेवाईसी ही मिल जाएगी। अब दोस्तों अंतिम सवाल या फिर कहे तो सबसे जरूरी सवाल कि जो ईकेवाईसी हो रही है वो कौन सी दिनांक तक करे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसी महीने की जो 31 दिनांक है वो लास्ट है, कोई कह रहा है कि फरवरी के महीने की लास्ट है, कोई कह रहा है मार्च महीने की लास्ट है। इस प्रकार के अलग अलग सवाल आपको मिल रहे होंगे। तो दोस्तों इसके ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे तो आपको कोई भी ऐसी दिनांक नहीं मिलेगी, वहां पे ये बताया जा रहा है कि इस दिनांक तक इसकी अंतिम दिनांक है। लेकिन अगर अगली किस्त के लिए इसको जरूरी किया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि मार्च तक तो आपको ईकेवाईसी करवानी होगी, ये समझ सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि मार्च तक ही करवानी है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर अगली किस्त के अंदर ईकेवाईसी अनिवार्य की गई है तो अगली किस्त जो मार्च के बाद आएगी, जब मार्च के बाद अगली किस्त आएगी तो मार्च से पहले पहले आपको यहाँ पे दोस्तों ईकेवाईसी करवानी होगी। तो 31 मार्च आप लास्ट दिनांक कह सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। तो आपके लिए बहुत समय है, अंतिम दिनांक के बारे में आप मत ना सोचें, आप जब भी वो करवा लें। लेकिन दोस्तों अब फिलहाल तो ईकेवाईसी होनी नहीं, जैसे स्टार्ट हो आप करवा लें, बहुत समय मिलेगा आपको। हो सकता है कि अगर ईकेवाईसी सभी लोगों की नहीं हो तो दिनांक को आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है और एक और किस्त भी बिना ईकेवाईसी भी दी जा सकती है। तो ये सब मैंने संभावना बताई है। तो आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे तो आप परेशान ज्यादा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे इसके अंतिम दिनांक आएगी तो वो भी मैं बता दूंगा, जैसे ही पोर्टल सही से काम करेगा तो वो भी आपको जानकारी दे दूंगा। इसके लिए ईकेवाईसी किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में पहले ही वीडियो बना हुआ, इसी वीडियो के नीचे लिंक अवेलेबल आपको मिल जाएगा। तो भाई दोस्तों बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए दमदार वीडियो के साथ।